So, यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव फिट्स कोर्स फॉर MHTCET 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते, ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो, थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबॉडी हु इज अपीयरिंग इन MHTCET। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पांच नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि पांच घंटे में जो पांच साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के पांच साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ महाराष्ट्र सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं फिजिक्स के सेक्शन से, और यहाँ पर मैं आप लोगों को यार कुछ जुगाड़ दिखाने वाला हूँ, जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगर आप लोगों ने अभी तक यार MHTCET के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। अगर कोई बच्चा एब्सोल्यूट जीरो पे भी है ना, तो वो भी 70+ का स्कोर मैनेज कर सकता है MHTCET के एग्जाम में। और अगर कोई बच्चा मान लो 80-90 नंबर का पेपर सॉल्व कर सकता है, तो वो वहां से अपने स्कोर को बढ़ा करके 130-140+ लेकर के जा सकता है जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वहां पर हाई एक्यूरेसी से तुक्का मार के। ठीक है, MHTCET में यार नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी तुक्के मारने की 1/4 होती है, मतलब 4 में से एक क्वेश्चन आपका सही होगा, पर क्वेश्चन आपकी 1/4 की प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्स बनेगी सही होने की, उसको हम 1/3 की बना देते हैं। अगर हम 1/3 की बना देंगे तो 200 नंबर में अगर आप पूरा तुक्का भी मारोगे तो भी आपके 68-70 के आसपास मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस चीजों का जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा। 5 घंटे का हमारे पास में कोर्स है, आप सारे ट्रिक्स सीखोगे स्ट्रक्चर्ड वे में और उसका ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन आप देखोगे, और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं 4 क्वेश्चंस के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से लगा सकते हैं, जुगाड़ हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या दिया है हमको, हमेशा मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया था, हमेशा आपको क्या करना है, क्रॉस कॉम्बिनेशन को मार्क करना है। क्रॉस कॉम्बिनेशन अगर आपको तुक्का लगाना है ना और आपको कोई नॉलेज नहीं है क्वेश्चन का, तो आप क्रॉस कॉम्बिनेशन मार्क किया करो। एग्जाम्पल दिखाता हूँ क्या, जैसे मान लो आपको ऑप्शन दिया है 0,1, 1,0, 1,1, 0,0, तो क्रॉस कॉम्बिनेशन कौन से हुए, 0,1 और 1,0 क्रॉस कॉम्बिनेशन हुआ। बाकी ये जो 1,1 और 0,0 है ना, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, सेम वैल्यू है। मान लो आपको ऐसे दिखे प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, तो ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है ना, ये क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है। क्रॉस कॉम्बिनेशन कौन सा है, प्लस माइनस और माइनस प्लस वाला। तो जो क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है ना, आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन में एक का आंसर कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है, सिमिलर आंसर नहीं होते दोनों में। तो यहां पर भी आप देखोगे सेम स्ट्रेस डिफरेंट स्ट्रेन, और डिफरेंट स्ट्रेस सेम स्ट्रेन, ये क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन है। तो आप ए और सी में से आप तुक्का लगाओ, इसमें क्या है, दोनों ही डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। इसमें क्या है, दोनों ही सेम है, तो ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग का एक तरीका, जुगाड़ लगा करके अगर हमको तुक्का मारना है तो ये एक तरीका है कि आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस में मार सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देखो, आप डायमेंशंस देख लिया करो, आपको पूछा क्या है, क्या आपको निकालना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आप समझना आप बात को। आपको पता है कि भाई जो हमारा एनर्जी होता है वो एच म्यू के बराबर होता है और वो एच सी बाई लैम्डा के बराबर होता है ना, इक्वल टू एच म्यू इंटू एच म्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास में एच इंटू फ्रीक्वेंसी और एच सी बाई लैम्डा हमारे पास में हो गया। तो आप एक चीज देखोगे, जो हमारा वर्क फंक्शन होता है वो भी एक तरीके से एनर्जी के बराबर ही है ना। हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू के ई मैक्स,
ये हमारा एक्सप्रेशन आता है हमारे पास में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में, कि भैया एक फोटोन है जो मेटल से टकरा रहा है एचम्यू एनर्जी के साथ में, मेटल का हमारे पास में वर्क फंक्शन है फाई, तो एचम्यू में से फाई को माइनस करेंगे तो हमारा के ई मैक्स निकलेगा। इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तीनों का डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगा, तो वर्क फंक्शन भी क्या है, एनर्जी के बराबर ही डायमेंशन होता है, राइट। अब अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो यहां पे एचम्यू वर्क फंक्शन है, मतलब डायमेंशन वाइज वर्क फंक्शन के बराबर ही है, तो ये माइनस हो सकता है आपस में, है ना, ये हमारे पास में क्या है, आपस में माइनस हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कह लूं कि एच सी बाई लैम्डा जो है, एच सी बाई लैम्डा वो वर्क फंक्शन के बराबर है, तो एच सी जो है वो लैम्डा फाई के बराबर है, तो ये वाला भी आप देखोगे एच सी जो है वो लैम्डा फाई के बराबर है, ये भी हमारा डायमेंशन में सेम हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन जो है ना वो डायमेंशन में ठीक है थोड़े से, लेकिन अगर आप आगे देखोगे ना थोड़ा ध्यान से, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे एच सी जो है वो फाई के बराबर है, आप अगर यहां पे देखो एच सी जो है वो फाई के बराबर है, मतलब डायमेंशन वाइज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होती है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एच सी का जो डायमेंशन है और फाई का जो डायमेंशन है वो अलग है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन क्या है आप इससे एलिमिनेट कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि हमारे पास में क्या है, जो एच सी है, जैसे E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, तो एच सी क्या हो जाएगा, E लैम्डा हो जाएगा, तो ये जो एच सी का डायमेंशन है ये E इंटू लैम्डा के बराबर है, E इंटू लैम्डा और लैम्डा माइनस हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, तो ये भी डायमेंशन में गलत हो गया, है ना, क्योंकि एच सी का मतलब है E लैम्डा और E लैम्डा को माइनस कर रहे हैं लैम्डा के साथ में, तो डायमेंशनली वो सही नहीं हुआ ना, आप एनर्जी इंटू लैम्डा को लैम्डा से कैसे माइनस कर सकते हो, डायमेंशनली तो सही नहीं हुआ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो यूनिट एंड डायमेंशंस में हम देखते हैं वही तो फॉलो नहीं हो रहा, यहां पर हो रहा है क्योंकि यहां पर एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू फाइव एनर्जी के टर्म्स में हम बोल सकते हैं, तो एच सी का डायमेंशन फाइव लैम्डा के बराबर आएगा, और यहां पर भी हम बोल सकते हैं एचम्यू इक्वल टू फाइव क्योंकि एनर्जी एचम्यू और फाइव भी हमारा वर्क फंक्शन जो है वो एनर्जी के बराबर है, तो ये दोनों क्या डायमेंशन वाइज हमारे थोड़े से हमको सही लग रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, अब आप थोड़ा सा और अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि भाई जैसे हमारा ये क्या है एनर्जी इंटू लैम्डा अपॉन एमसी, समझ रहे हो, तो एनर्जी इंटू लैम्डा अपॉन एमसी, इसका डायमेंशन आप देखो, अपन को निकालना क्या, अपने को वेलोसिटी निकालनी है, तो आप इसका डायमेंशन देखो कैसे देखोगे, मैं यहां पर एक पेपर ले लेता हूं, यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, आपका है एचम्यू माइनस फाइव लैम्डा बाई एमसी, तो ये क्या है एनर्जी, एनर्जी मतलब हाफ एमवी स्क्वायर, लैम्डा मतलब लैम्डा नीचे है, एमसी मतलब वेलोसिटी, मास से मास कटा एक वेलोसिटी इंटू लैम्डा आया, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, इसका डायमेंशन सही नहीं है, है ना, आप इसको देख लो एक बार, ऑप्शन बी को देख लो, ऑप्शन बी में क्या है एच सी माइनस लैम्डा फाई अपॉन एम लैम्डा, इसका डायमेंशन एक बार आप चेक करो, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है, तो एच सी हो जाएगा ई लैम्डा, है ना, तो ई इंटू लैम्डा अपॉन एम इंटू लैम्डा हो जाएगा डायमेंशन, ऊपर में आ जाएगा ई लैम्डा का डायमेंशन, है ना, और नीचे आ जाएगा m लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कटा तो e बाई m आ गया, e का मतलब हो गया हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन m, m से m कटा v स्क्वायर आ गया, अब रूट करेंगे, देखो पावर में रूट दिया हुआ है, तो अपना फाइनल क्या आ जाएगा रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में v, तो इसका आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा डायमेंशनली, तो हमारा ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करना है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ऑप्शंस में डायमेंशन देख के हमने तीन ऑप्शन को यहां पे एलिमिनेट कर लिया और एक ऑप्शन हमारा यहां पर जो है सही हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, अब आ जाओ आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे डायमेंशन को देखने का जो है यहां पर ट्राई करेंगे। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस, तो आपको पता है म्यू का तो कोई डायमेंशन है नहीं, है ना, क्योंकि एफ इक्वल्स टू म्यू एमजी होता है, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एमजी, तो वहां से म्यू का कोई डायमेंशन आता नहीं है, आपको सिर्फ एम स्क्वायर जी अपॉन पी स्क्वायर देखना है, एम स्क्वायर मतलब कि मास का स्क्वायर, जी मतलब डिस्टेंस बाई टाइम का स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस बाई टाइम का स्क्वायर कर दिया, और पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन डी, हमको तो डिस्टेंस चाहिए ना, 1 अपॉन डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, तो ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, देखो पी स्क्वायर ऊपर आ गया और 2 म्यू एम स्क्वायर जी नीचे आ गया, तो डायमेंशन वाइज ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यहां पे 1 बाई डी आ रहा है तो यहां पे डी आएगा, है ना, आप चाहो तो इस बीच वालों को चेक करो तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, देखो यहां पे क्या है पी, पी मतलब एम वी और नीचे आपका एम इंटू जी मतलब डी अपॉन टी स्क्वायर, एम से एम कटा तो ये आपका अजीब सा आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका अजीब सा आ रहा है, ठीक है, ये आपका आ रहा है
डी इंटू टी बाई डी टाइम के बराबर आ रहा है, तो ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो एम जी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, और पी हो गया अपना एम वी, एम से एम कटेगा, ठीक है। ये अपना आ रहा है 1 अपॉन टी के बराबर आ रहा है, ठीक है, डायमेंशन वाइज, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो एक डिस्टेंस कट जाएगा एक टाइम बच जाएगा, तो ये भी कट गया, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी हमारे पास में यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं जुगाड़ लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, जुगाड़ लगा करके तुक्का मारना, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर क्या पूछा है आपको, आपको पूछा है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आपको पता है, देखो एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है, आपको पता है, ठीक है ना। आप कुछ मत करो, ऑप्शंस में पुट करके देखो। ऑप्शन ए में अगर आप पुट करोगे एनर्जी के जगह आप केवल वो पुट करके देखो जो मतलब डायमेंशन वाइज पुट करके देखो। एनर्जी में क्या एमवी स्क्वायर का डायमेंशन आएगा, एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर होती है, मैं सिर्फ डायमेंशन चेक करूं, ठीक है, तो एमवी स्क्वायर आएगा, और नीचे में एम आर है, एम इंटू आर, आर मतलब डिस्टेंस, एम से एम कटेगा, वी स्क्वायर बाई आर का डायमेंशन आ रहा है, इसका मतलब ई बाई एम आर जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये दोनों ऑप्शन जो है ना ये डायमेंशनली करेक्ट है। आप ऑप्शन बी में अगर चेक करोगे तो आपका एनर्जी इंटू मास मतलब कि एमवी स्क्वायर इंटू एम, तो ये आगे आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये आपका मोमेंटम स्क्वायर का डायमेंशन आ रहा है, तो ये आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन है ही नहीं, तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। आप यहां पर अगर चेक करोगे तो ई बाई एम आर का स्क्वायर आ रहा है, ई बाई एम आर का स्क्वायर मतलब एमवी स्क्वायर अपॉन एम आर का स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, मतलब कि वी टू द पावर 4 अपॉन आर टू द पावर 2, तो ये भी आपका क्या है एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर नहीं आ रहा है, ये दोनों आपके एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर आ रहे हैं। अब 2 होगा या नहीं होगा ये आपको तुक्का लगाना है ना, 2e by mr करना है या e by mr करना है, ये फिर आपका जो है इंटेलिजेंट तुक्का जो आपको करना है वो आप कर पाओगे, ठीक है ना यार। मैं आपको आंसर की बता देता हूं क्या दिया हुआ है हमारे पास में, पहला का आंसर दिया हुआ है सी, ठीक है, पहला का आंसर हमको दिया हुआ है सी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैंने पढ़ा नहीं है, आंसर सी दिया हुआ है। दूसरा का अपन को दिया हुआ है बी, ठीक है, दूसरा मैंने आपको दिखाई दिया एग्जैक्ट, तीसरा अपन को दिया हुआ है डी, ये भी दिखा दिया मैंने एग्जैक्ट, है ना, ये भी मैंने आपको एग्जैक्ट दिखा दिया, और चौथा दिया हुआ है ए, ठीक है, 2e by mr दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन ने दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, बाकी दो में से आपको तुक्का लगाना था। इस तरीके के अगर आप जुगाड़ ट्रिक्स यूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा स्कोर बूस्ट होगा एमएसटी सीटी के अंदर में, जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व होते हैं उतने आप करोगे, बाकी में आप जो है तुक्का लगाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो, आप काफी ज्यादा चीजें सीख जाओगे कम टाइम में, 5 घंटे में सारे ट्रिक्स कवर हो जाएंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, और ऑन स्पॉट एप्लीकेशन आप एग्जाम टाइम सिनेरियो के अंदर में देखोगे। यहाँ पे तो क्या है प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोर्स के अंदर में आप ऑन स्पॉट देखोगे कैसे मैं ट्रिक्स लगाता हूँ, कैसे आपको लगाना है, मॉक टेस्ट वगैरह, और बहुत सारे एडवांटेज आपको जो है कोर्स के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।